फिल्म आर्टिकल 15 हमेशा से विवादों में रही है और उसपे जैसी रिलीज हुई उसपे ब्राह्मण समाज के लोगों ने याचिका डालकर उसको रोकने की मांग भी लगाई। बताया जाता है दलित और ब्राह्मणों के बीच इसमें कुछ विवादित सीन थे जिसको लेकर ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ब्राह्मण समाज ने आर्टिकल 15 के फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिल्म को लेकर समाज ने देश भर के कई सिनेमाघरों बाहर नारेबाजी की, बैनर पोस्टर फाड़ दिए, यहाँ तक कि अंदर जो लोग सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे उनको भी खदेड़ दिया। बिहार में तो यहाँ तक हो गया कि सिनेमाघर के अंदर पुलिस को जाना पड़ा और उसको बाहर निकालना पड़ा। इस पे बहुत ज्यादा विवादित फिल्म रही, लेकिन कानपुर के अंदर भी बवाल को देखते हुए प्रबंधक ने पहले शो को इंटरवल के बाद बंद कर दिया, दर्शकों को टिकट के पैसे भी लौटा दिए। पुलिस और पीएससी के तैनात होने के बावजूद एक थिएटर को छोड़कर बाकी सिनेमाघरों ने फिल्म का संचालन नहीं किया। फिल्म आर्टिकल 15 को ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताते हुए आखिर भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सड़कों पर उतर आई और फिल्म को जातीय विधेय फैलाने वाली बताते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल से ज्ञापन भेजकर इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग भी की। बुधवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनोज गौतम के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने सदस्य सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित हुए। मनोज गौतम ने कहा, अनुभव सिन्हा निर्देशक और आयुष्मान खुराना अभिनेता, फिल्म आर्टिकल 15 ट्रेलर देखने के बाद सवर्ण समाज खासतौर पर ब्राह्मण समाज को रोष है। ब्राह्मण संगठनों ने फिल्म में ब्राह्मणों के खिलाफ दुष्प्रचार के पड्यंत्र को संज्ञान भी दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया और फिल्म लगातार अब सिनेमाघरों में देखी जा रही है और फिल्म के अंदर और अच्छा बिजनेस भी देती जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।